हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10वीं और 12वीं की जो छात्र है इनको यहाँ पर 15 से 25 हज़ार तक की जो है स्कॉलरशिप यहाँ पर मिल रही है। तो इसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, पात्रता क्या है, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चले फिर वीडियो को बिना देर के यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, इससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो जो जाहिर प्रकटन है यहाँ पर पुणे महानगर पालिका के अंदर ये निकला हुआ है, ठीक है। और इसमें बताया गया है कि पुणे महानगर पालिका की हद में, मतलब कि वहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं पुणे महानगर पालिका के अंदर आते हैं, तो इनको यहाँ पर अगर 10वीं में पढ़ रहे हैं, मतलब 10वीं उनकी 2022 में यहाँ पर हुए या फिर 12वीं 2022 में यहाँ पर वो पास हुए हैं, तो उनको जो यहाँ पर 10वीं के लिए भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शैक्षणिक अर्थसहाय योजना ये यहाँ पर लागू की गई है, इसके तहत उनको स्कॉलरशिप मिलने वाली है। और अगर 12वीं की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो लोकशायरी अन्नाभा साठे शैक्षणिक अर्थसहाय योजना है, इनके अंदर जो है ये स्कॉलरशिप यहाँ पर मिलने वाली है। सो दोस्तों, यहाँ पर उनको एक बार बता दूं कि 10वीं के लिए जो रकम है इनको स्कॉलरशिप मिलने वाली है 15,000, और 12वीं की अगर हम बात करते हैं तो उनको यहाँ पर 25,000 यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल रही है। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना है यहाँ पे वो भी मैं नीचे बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि कुछ नियम्स कुछ अटी यहाँ पर बनाए गए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। और दोस्तों, इसके लिए आपको खाली ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है कि कहाँ भी, मतलब आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं देना है, ठीक है। खाली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, और इसके लिए भी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो भी मैं लास्ट में बता दूंगा, वीडियो पूरा देखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन फॉर्म करना है, और इसके लिए वेबसाइट भी दी गई dbt.pmc.gov.in, ये वेबसाइट के ऊपर जाके आपको खाली ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ठीक है। वो ये वेबसाइट मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से जाके भी आप ऑनलाइन सीधे जो वेबसाइट के ऊपर जाके फॉर्म भर सकते हो। अब इसके लिए क्या क्या कंडीशन है वो भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शैक्षणिक योजना है, मतलब ये 10वीं के लिए है। तो इसमें जो है दोस्तों, यहाँ पर कंडीशन ये है, अगर 10वीं में आपका छात्र पढ़ता है और अगर आप कैटेगरी में नहीं आते, मतलब कि उनको जो है यहाँ पर कम से कम 80% यहाँ पर परसेंटेज चाहिए अगर वो ओपन कैटेगरी में हो तो, और अगर वो ओपन में नहीं है, कास्ट कैटेगरी में अगर आते हैं या यानी कि जो मागस वर्गीय विद्यार्थी है जो को यहाँ पर कम से कम जो कैटेगरी में आते हैं जो कास्ट में आते हैं उनको 70% यहाँ पर चाहिए, और जो दोस्तों यहाँ पर हैंडीकैप स्टूडेंट्स होते हैं जो अपंग तो हम कहते हैं उनको 40% यहाँ पर चाहिए 10वीं के लिए, ठीक है। और इसके बावजूद जो 12वीं के छात्र है उनको भी वैसे ही है। दोस्तों, यहाँ पे और भी एक कंडीशन बताई गई है, जो कचरा सेवक या फिर बायोगैस प्रकल्प जो इसके ऊपर जो काम करते हैं पेरेंट्स, इनके जो बच्चे हैं या फिर कष्ट मतलब कि जो मजूर है जो लेबर से, इनके जो बच्चे, इनको 65% की यहाँ पर आवश्यकता होगी इस योजना की लाभ लेने के लिए, ठीक है। तो ये हो गई 10वीं के लिए। 12वीं के लिए भी दोस्तों वैसे ही है, और उसके बाद अगर 12वीं के बाद आप इस स्कॉलरशिप का आप यूज मतलब लाभ ले रहे तो इसके लिए जो है 12वीं के बाद आप जो है किसी शासन मान्य विद्यापीठ में जो है एडमिशन आपका होना चाहिए, तभी आप ये शिष्यवृत्ति का लाभ यहाँ पर ले सकते हैं। और बात करते हैं परसेंटेज की, तो 12वीं की भी यही सी है, जैसे कि कैटेगरी में नहीं है तो 80%, और कैटेगरी में है मतलब कास्ट में है तो 70%, हैंडीकैप है तो 40%, और अगर किसी लेबर का बच्चा है तो 65%। तो ये कंडीशन से यहाँ पर लागू होती है स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए। अब दोस्तों, यहाँ पर हम डेट भी देख लेते हैं कब तक आपको इसके लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर 22 अगस्त 2022 से, तो 30 दिसंबर 2022 तक जो है आप ऑनलाइन फॉर्म इसके लिए आप भर सकते हो। वेबसाइट मैंने बता दिया है dbt.pmc.gov.in, ये वेबसाइट के ऊपर जाके जो है आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, आपको कहीं पे भी डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। सो दोस्तों, बहुत अच्छी स्कॉलरशिप आपको मिल रही है, इसके लिए जरूर आप अप्लाई करें। और ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, ये भी पुणे महानगर पालिका की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसी के ऊपर ये डिक्लेयर हो चुकी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके डॉक्यूमेंट की, तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाली ये भी हम डिटेल में यहाँ पर जान लेते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर बना ली है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मतलब कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट साइज फोटो आपका लगेगा, ठीक है। उसके बाद रेंट एग्रीमेंट, अगर आप किसी रेंट के रूम में रहते हो तो उसका एग्रीमेंट, या फिर उसको और में भी है, लाइट बिल भी आप यहाँ पर लगा सकते हो पिछले साल के, ठीक है, लास्ट 3 ईयर में जो भी होगा वो। और उसके बाद यहाँ पर राशन कार्ड आपका अगर होता है तो उसका लास्ट पेज जो है वहाँ पर उसका जेरोक्स, या फिर फर्स्ट और लास्ट पेज का वहाँ पर जेरोक्स लगाना पड़ता है राशन कार्ड का। और एज प्रूफ के लिए स्टूडेंट्स का बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर चलेगा, ठीक है, या फिर दूसरा जो भी सर्टिफिकेट है उसके ऊपर एज मेंशन है तो वो भी यहाँ पर आप लगा सकते हो। और उसके बाद 12th का मार्कशीट, अगर आप 12th के लिए अप्लाई करना चाहते हो स्कॉलरशिप के लिए, तो 12th और 10th के अगर करना चाहते हो तो 10th के मार्कशीट आपको यहाँ पर लगेगी।
अब जो है यहाँ पर आधार मतलब कि खुद का भी लगेगा और पेरेंट्स का भी यहाँ पर आधार लगेगा, वो भी आपको वहाँ पर जोड़ना होगा। और बैंक पासबुक मतलब कि पासबुक जेरॉक्स आपको लगाना पड़ेगा, आपका या फिर पेरेंट्स का भी होगा चलेगा, पर उसको जो है आधार वहाँ पर लिंक होना बहुत ही ज़रूरी है, वो कंपलसरी है, ठीक है। आधार लिंक होना चाहिए बैंक अकाउंट से, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और उसके बाद इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट, आपका इनकम सर्टिफिकेट आपको निकालना होगा, जैसे कि तहसील में वो निकलता है, एक या फिर तीन साल का जो है इनकम सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लगाना होगा। और उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कास्ट कैटेगरी में हो तो कास्ट यहाँ पर लगेगा, अगर आप ओपन में हो तो कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं होगी, बट कास्ट में अगर आते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना होगा। और उसके बाद अगर 12वीं के बाद आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो तो कॉलेज फीस रिसिप्ट, जो रिसिप्ट मिलती है, अब अगर आपने एडमिशन कहीं पर भी ले लिया है तो उसके लिए रिसिप्ट आपको दी जाती है, तो वो रिसिप्ट आपको यहाँ पर ज्वाइन करना होगा, मतलब कि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय उसका वहाँ पर आवश्यकता होता है। और यहाँ पे देखिए हमी पत्र, ये जो हमी पत्र है आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके वही आपको वहाँ पर अपलोड या फिर वहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर की वो वहाँ पर डालनी होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे ट्वेल्थ एलसी, अगर आप ट्वेल्थ के बाद अप्लाई करना चाहते हो तो ट्वेल्थ की जो एलसी है उसका जेरॉक्स यहाँ पर लगाना होगा, ओरिजिनल नहीं मांगी जा रही है, ठीक है। और नीचे देखिए लास्ट वाला जो है 10वीं, अगर आप 10वीं के बाद आप अप्लाई करना चाहते हो तो वहाँ पर 10वीं का एलसी मतलब कि जेरॉक्स वहाँ पर आपको लगाना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बता दिया है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करना है, फिर उसके बाद अप्लाई आपको कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आप ऑफिशियल वेबसाइट जो है ये भी देख सकते हो, dbt.pmc.government, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पर कर सकते हो न्यू रजिस्ट्रेशन करके, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको हमी पत्र जो होता है वो भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ हमी पत्र जो है यहाँ पर इस प्रकार होगा, पुणे महानगर पालिका, इसके ऊपर ऊपर नाम होगा समाज विकास विभाग, और यहाँ पे जो है पेरेंट्स का हमी पत्र है, तो यहाँ पे पेरेंट्स की सिग्नेचर आपको कर देनी होगी, और जो भी दिन को आप अप्लाई कर रहे हो वो डेट यहाँ पर आपको राइटिंग कर देना होगा। और नीचे यहाँ पर शाला महाविद्यालय संस्था प्रमुखांची शिफारस, मतलब कि जिस भी 10वीं के बाद अगर आप 11वीं में एडमिशन्स लेते हो या फिर 12वीं के बाद कहीं ग्रेजुएशन के लिए जहाँ पे भी आप एडमिशन्स लेते हो तो वहाँ से आपको ये फिल करके लाना होगा, मतलब कि ये जो डिटेल्स है, आपका नाम, कौन से कॉलेज स्कूल में पढ़ते हो, कौन से साल में पढ़ रहे हो, और यहाँ पर जो है नीचे देखिए शाला प्रमुखांची स्वाक्षरी, शाला प्रमुखांची नाम, मतलब कि वहाँ पर जाके आपको जो वहाँ की जो प्रिंसिपल है वहाँ से सिग्नेचर स्टैम्प वगैरह आपको करके लाना होगा, या फिर स्कूल कॉलेज का जो है यहाँ पर पता एड्रेस पूरा लिखकर लाना होगा। इस प्रकार ये जो हमी पत्र है आपको पूरा फिल करके लाना होगा और वो अपलोड करना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंग्लिश में भी हमी पत्र अवेलेबल है, और अगर आपको वेबसाइट के ऊपर नहीं मिला तो इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी जाके आप जो है डाउनलोड कर सकते हो वीडियो की, आपको कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। सो आई होप कि आपको अभी सारी जानकारी जो है समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई देने को अवश्य कोशिश करूंगा। सो दोस्तों आई होप कि आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। चलिए फिर मिलेंगे ऐसे अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।